Good morning guys. Welcome back to my channel. सब कैसे है? I hope literally सबने मेरी सबसे पहले chapter one, two, plus ये तीन वीडियो अभी तक मैंने ई e कॉमर्स में डाली हुई है तो वो वाली तुम मेक श्योर sure करना कि तुम सारी देखते हुए आ रहे हो एंड लास्ट में मतलब लास्ट ईयर मैंने एक ई e कॉमर्स की यू नो प्ले लिस्ट बनाई थी बट दैट वॉज यूजिंग टेन ईयर एंड उसमें इतना डिटेल डिस्कस नहीं हुआ जितना इस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट में हो रहा है सो मेक श्योर तुम वो मत देखना आंटी जब तक मैं बोलू कि हाँ यार जाके देख लो ठीक है Unit आपका चैप्टर थ्री आता है जिसमें ई कॉमर्सिटी एंड कंट्रोल इज कॉन बीजी चैप्टर दिस इज कॉन बी वे बी इंट्रोड्यूस टू फ्यू टर्म्स जो तुमने शायद पहली बार सुनी होगी रेस्ट ऑफ द टर्म्स यू विल बी लाइक ठीक है मैम ये हमारे साथ हो चुका है आ, और हम ये फेस कर चुके हैं हमने बहुत सारे केसेस भी सुन लिए एंड वी हैव सीन लिटरली फुल ऑफ न्यूज़पेपर इतनी सारी मैम न्यूज आती रहती है कि ये हो गया ये हो गया ठीक है तो हम सबसे पहले थ्रेट्स की बात करेंगे ई e कॉमर्स की बात करेंगे कैसे सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं एंड उसके लिए क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए कंट्रोल्स मतलब उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए हमें एज अ कंपनी एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या क्या कंट्रोल्स लगाने पढ़ते हैं ठीक है सो इजी so, है थोड़ा लाइट चैप्टर है एंड गाइस बिफोर यू बिगिन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ये तुम प्लीज कर दो यार ये तो फ्री का मतलब ऐसे क्लिक करने वाली बात है ना दो चैप्टर तुम्हें समझ में आ गए एंड मैंने इतने अच्छे निमोनिक्स बना के सिखाए थे तुम्हें वो चैप्टर्स थोड़ा तो मुझे यू नो क्रेडिट दे दो ठीक है नाउ लेट्स गो टू चैप्टर नंबर थ्री एंड वील स्टार्ट नाउ चैप्टर थ्री के जो टॉपिक्स होने वाले हैं ये सब होने वाले बाय वी नीडेड वी गोने डू देन इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर आपका चैप्टर नंबर फाइव में या आई बिलीव हाँ चैप्टर नंबर फाइव या सिक्स में फिर से रिपीट होगा तो लेट मी टेल यू तुम तो डिजिटल सिग्नेचर आज ही इतने अच्छे से पढ़ लेना कि तुम्हें वहां पे जाके फिर से ना पढ़ना पड़े क्योंकि मैं फिर से वो नहीं पढ़ाऊंगी ठीक है तो डिजिटल सिग्नेचर पे यूजुअली नोट आता है दैट राइट नोट ऑन डिजिटल सिग्नेचर एंड इंक्रिप्शन सो ये दो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है सो मेक श्योर ये दो टॉपिक आप इस चैप्टर में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं बिकॉज देट इज नाइंटी नाइन परसेंट चांस कि ये हर पेपर में मुझे दिखता ही दिखता ठीक है सो हर चैप्टर के कुछ ना कुछ यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये वाले दो टॉपिक बहुत जरूरी है ठीक है डेटा सिक्योरिटी लेट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन या देखो मैं बार बार कह रही हूँ इंटरनेट किसके लिए आया था इंटरनेट पहले दो लोगों के लिए आया था एंड अकेडमिक इसका इतना अच्छा यूटिलाईज हुआ कि फाइनली ये सब लोगों को दे दिया गया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ई कॉमर्स करके कंसेप्ट भी निकाल दिया गया ठीक है बट सी हमने पहले रिस्ट्रिक्ट क्यों किया था There were certain reasons, कुछ reasons ऐसे थे जिनकी वजह से हमें ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा सिक्योरिटी right? बहुत बड़ा इशू है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ठीक है नाउ इंटरनेट पे यार देखो बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे हो ये बायर है ये सेलर है बायर अपने पेमेंट डिटेल्स डालता है एंड सेलर सामान भेजता है तो ये जो आपकी पेमेंट डिटेल्स जा रही है क्या ये सेफ है क्या जो आप अपने बारे में डाल रहे दैट नेम इज रुचि गोयल मेरी ईमेल आईडी ये है मेरा हाउस एड्रेस ये है क्या मेरी डिटेल सेफ है क्या ये किसी इनलीगल पर्सन को तो नहीं दे दी जाएगी या ये इंफॉर्मेशन गलत काम के लिए यूज तो नहीं होगी सो द डाउट जो हमारे दिमाग में आता है इज इंटेग्रिटी विल दे बी ऑनेस्ट टू अस इंटेग्रिटी इज नथिंग बट ऑनेस्टी ठीक है तो दोनों पार्टीज का ऑनेस्ट होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये ई e कॉमर्स को चलाने में ठीक है अब देखो आज के टाइम में तो स्पेशली जब इतने ज्यादा साइबर अटैक्स होने लग गए हैं इतना ज्यादा डेटा थेफ्ट होने लग गया है तो जरूरी नहीं है कि जिसने तुम्हारा डेटा चुराया है उसके पास तुम्हारा फोन फोन हो मतलब चुराना पड़ेगा नहीं आजकल दिस ऑल कैन बी डन ऑनलाइन राइट ऑनलाइन किसी का भी डेटा चुरा के किसी के साथ भी थेफ्ट होते हैं चाहे वो यूएस में बैठा हो या चाहे वो इंडिया में बैठा हो तो ई ई कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है सो एज आ सेट एक मिनट में एनिमेशन लगाना भूल गई हूँ चलो कोई नहीं इंट्रोडक्शन एज आ सेट की ई सिक्योर ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेड ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेड कुछ नहीं होता दिस इज समथिंग विच कैन एक्चुअली कॉज हार्म टू योर कंप्यूटर सिस्टम मतलब वो तुम्हारा हैक हो जाएगा वायरस हाँ आ जाएगा ठीक है सो वायरस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ थ्रेड क्योंकि अगर तुम्हारे लेट से तुम किसी वेबसाइट पे गए ठीक है एंड वहां पे कुकीज थी कुकीज थी या एक ऐसी फाइल थी जो ऐसे बार बार तुम गए हो किसी लोकल वेबसाइट पे ऐसे लिखा होता है डाउनलोड ठीक है तो तुमने वो फाइल डाउनलोड कर ली अब उस फाइल की वजह से तुम्हारे लैपटॉप में आ गया वायरस एंड तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया एंड हेंस द होल सेटअप इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस ई कॉमर्स थ्रेट ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट फाइन तो इसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप इसे रिड्यूस कर सकते हो इज द डबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पता है ये सबके लिए है तुम एज अ स्टूडेंट पता नहीं किन किन लोगों ने लिंकिन पे इंस्टा पे सब पे गाइस अपना टू फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन करके रखो लिटरली मेरा लिंकड एक बार हैक हुआ था एंड दिस पर्टिकुलर यू नो सिक्योरिटी एक्चुअली सेव्ड माई अकाउंट Because I got to know कि कौन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर की यू आर हैकिंग में काफी आपकी यू you नो know, आपको प्रोटेक्ट करता है सो ई सिक्योरिटी थ्रेड का मतलब समझ में आया कि एनी थिंग जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम इनफैक्ट कंप्यूटर सिस्टम की है जो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है चीजें हिला सकता है सो so, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए कुछ इंक्रिप्शन डाला इंक्रिप्शन पता है तुम्हें इंक्रिप्शन मैंने लास्ट चैप्टर में भी सिखाया था जहाँ पे तुम्हारा डेटा कोड होता है ठीक है एंड देन डी होता है एंड एक की चाहिए होती है जिससे ये डेटा डी होता है अभी ये डिटेल में आएगा बट इंक्रिप्शन इज दिस ठीक है so, सो इंक्रिप्शन क्या होता है इंक्रिप्शन एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर डाटा इन मेनी टर्म्स देन द डायमेंशन ठीक है आपके ई कॉमर्स में ठीक है डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी सो यू कैन इजिली लर्न इट बाई बी डिप बी डिप मतलब बिजनेस का डिप बिजनेस थोड़ा नीचे चल रहा है जैसे बोलते हैं ना हमारे फैमिली मेंबर्स दैट बिजनेस थोड़ा यू नो स्लो चल रहा है मंदा चल रहा है सो दैट इज नथिंग बट बी डिप फाइन तो so, सबसे पहले हम करते हैं डेटा इंटेग्रिटी देखो आज के टाइम में बहुत ज्यादा डेटा इन्वॉल्व होता है कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में मैम क्या लेट से योर नेम योर हाउस एड्रेस योर कार डिटेल्स ठीक है योर फोन नंबर तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डेटा इंटरचेंज होता है ठीक है क्योंकि अगर आपके ई e कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको ऑब्वियसली डेटा चाहिए भी होगा आपको डेटा डालना भी पड़ेगा ठीक है बट ये डेटा बहुत ही ज्यादा है कि ये हैूज भी हो सकता है और ये चोरी भी किया जा सकता है ठीक है एंड ये आपके खिलाफ भी यूज किया जा सकता है और ये कंपनी के खिलाफ भी यूज किया जा सकता है Guys, देखो. Let's say, आपने फ्लिपकार्ट शॉपिंग करी अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ यू नो थेफ्ट होगा या आपके साथ कुछ गलत होगा वो फ्लिपकार्ट कर सकता है नो अफकोर्स नॉट वो आपका फ्लिपकार्ट से डेटा चोरी करके थर्ड पार्टी कोई चोरी करके फ्लिपकार्ट से चोरी किया उसने एंड देन यूज किया सो so, कंपनी से भी वो डेटा चोरी हो सकता है आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट फाइन तो कंपनी एज अ फ्लिपकार्ट मुझे उस डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना है मुझे उस डेटा को इंश्योर करना है कि भाई मेरा डेटा कोई चुराए ना बिकॉज यूजर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपना डेटा डाला है और अगर मैं अच्छे कंट्रोल्स नहीं लगाऊंगी मैं अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाऊंगी देन आगे से मेरे वेबसाइट पे कोई डेटा डालेगा नहीं और कोई मेरे साथ बिजनेस करना भी नहीं जाएगा ठीक है आई होप डेटा इंटेग्रिटी समझ में आया देन वी गो टू द बिजनेस बिजनेस पॉलिसी देखो business के जो पॉलिसीज होती है वो क्या होती है पॉलिसीज इज समथिंग जो हमारे इंटरनल यूज के लिए बने है हमारे लेट्स से फ्लिपकार्ट की पॉलिसी फ्लिपकार्ट ही यूज करेगा या एमेजॉन भी करेगा ऑफ कोर्स मैम फ्लिपकार्ट ही करेगा तो ये पॉलिसीज किसके लिए बनी है आपके इम्प्लॉज के लिए आपके वेंडर्स के लिए आपके मतलब इंटरनल लोगों के लिए ठीक है लेट से बिल पेमेंट ठीक है बिलिंग पॉलिसी रिटर्न पॉलिसी प्रिवेसी पॉलिसी शिपिंग पॉलिसी ये सब चीजें इंटैक्ट रहनी चाहिए ये सब चीजें एक बेस की तरह एक बेंच मार्क की तरह होना चाहिए कि हाँ ये सारे एम्प्लॉयज के लिए सेम है ऐसा नहीं कि लेट से कोई फ्लिपकार्ट में एक बंदे ने सेल करी ठीक है लेट से कोई डिपार्टमेंट में था अब उसने ये डेटा यूज कर लिया अनऑथराइज एक्सेस था ठीक है एंड फाइनली इसने भेज दिया नो बिजनेस पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए कि ये डेटा किसको ऑथराइज है कौन इसे यूज कर सकता है कौन इसका एक्सेस कर सकता है कौन इसे टच भी नहीं करेगा कौन इसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं करेगा ठीक है तो पॉलिसीज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एज अ कंपनी then integrity of the transaction processing see interaction आपका जो transaction है जैसा promise किया गया है वैसा ही होना चाहिए ठीक है लेट्स से आपने यू नो कस्टमर ने आपको कोई ऑर्डर प्लेस किया फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 82 में ठीक है एंड आपका जो प्रोडक्ट है आपने वो डेटा अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया वो डेटा आपने अच्छे से यू नो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं किया एंड ये आपका ऑर्डर पहुंच गया हाउस नंबर फिफ्टी टू में ठीक है सो so, ये आपकी रॉन्ग डिलीवरी हो गई सो जैसे ट्रांजैक्शन प्रॉमिस की गई है वैसे ही आप उसे प्रोसेस करेंगे और मेक श्योर sure करेंगे कि डिलीवरी टाइम पे है देन द प्रिवेसी ऑफ डेटा सी तो किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ इनफैक्ट एमेजॉन पे जाओ इनफैक्ट जा तुम कहीं भी चले जाओ मिंत्रा पे चले जाओ ठीक है वहां पे ड्यूरिंग द ऑर्डर एक होती है प्रिवेसी पॉलिसी ठीक है तो तुम्हें उस चेक लिस्ट को ऐसे टिक करना पड़ता है कि हाँ आई एक्सेप्ट दिस प्रिवेसी पॉलिसी सो ये प्रिवेसी पॉलिसी किसके लिए होती है कस्टमर के लिए होती है सो दैट कोई भी और विजिटर या कोई भी और कस्टमर उस डेटा को यूज ना कर पाए अपने बेनिफिट के लिए ठीक है नहीं तो कस्टमर या कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है अगर ये डेटा चोरी हो गया तो ठीक है सो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज बी डिप फाइन बी स्टैंड फॉर बिजनेस पॉलिसी डी स्टैंड फॉर डेटा इंटेग्रिटी आई स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड पी स्टैंड फॉर प्रिवेसी ऑफ डेटा गॉट इट नाउ सिक्योरिटी थ्रेट सबसे पहले होता है मिस्ड टू रिमेंबर दिस हम क्या याद रखेंगे बिजनेस में डिप आया मिस्ड ठीक है नाउ सबसे पहले उसे इंफॉर्मेशन लॉस देखो जैसे मैंने कहा कंपनी के लिए भी लॉस होता है और ये कस्टमर के लिए भी लॉस होता है तो इन्फॉर्मेशन खो गई तुमसे इन्फॉर्मेशन या तो लेट से तुम्हारे वायरस की वजह से खो गई ठीक है लेट से तुमसे गलती से डिलीट हो गई ठीक है कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल थी अब तुमने वो डेस्कटॉप पे सेव करी और वो डिलीट हो गई सो यू लॉस दैट इंफॉर्मेशन ठीक है सो ये आपका हो गया सिक्योरिटी थ्रेट देन थे आपके कंपनी फ्लिपकार्ट से किसी और ने ये डेटा चुराया और किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया ठीक है वहां से उसे पैसे मिल गए सो फॉर हिज बेनिफिट ही स्टोल द डेटा तो दैट इज नथिंग बट डाटा थेफ्ट ठीक है नाउ ट्रेड सीक्रेट्स ट्रेड सीक्रेट्स लेट से कोका कोला या लेट से ओरियो या लेट से और कौन सी है पेप्सी आपने इनकी रेसिपी चुरा ली इनके सिस्टम में इनकी रेसिपी थी ठीक है अब लेट से आपने कोक की रेसिपी चुरा ली एंड आपने पेप्सी को दे दी डू यू थिंक पेप्सी आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट देगा इन मिलियंस ऑबवियसली आप कोक के ट्रेड सीक्रेट्स चुरा के आए हो ठीक है सो दिस इज आल्सो अ ट्रेड सीक्रेट की चोरी फाइन देन मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम आप अब आपको कोई आपके सिस्टम को कोई इतना मैन्युपुलेट कर सकता है कि यू नो अनप्लान इंफॉर्मेशन कोई भी यूजर को भेज सकता है एंड जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ना चले या जिसकी वजह से आपका वो सिस्टम अच्छे से ना चले फॉर एग्जांपल आप शार्ट पे हैं अब आप लाइमलाइट में आ गए हो आपकी वेबसाइट हर कोई जानता है ठीक है थर्ड पार्टी को पता है कि आपके वेबसाइट पे अब ट्रैफिक बढ़ने वाला है ऑर्डर्स आने वाले हैं तो उसने क्या किया उसने अपने लेट से वन लाख यूजर्स भेज दिए। आपकी वेबसाइट को सो दट आपकी वेबसाइट ना चले सो ही इज एक्चुअली यू नो मेकिंग दैट वेबसाइट हैंड सो दैट वो ट्रैफिक बढ़े आपको ऑर्डर ज्यादा ना मिले सो ये सब चीजें करके आपकी वेबसाइट क्या होगी अच्छे से प्रॉपर नहीं चलेगी बिकॉज सामबरी एल्स इज मैन्यूपलेटिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट पर्टिकुलर सिस्टम सिक्योरिटी थ्रेट समझ में इट इज वेरी इजी मतलब इनमें कुछ समझाने वाला एस सच है नहीं बट अगैन यू नीड टू एटलीस्ट रीड इट वांस या तो एक बार सुन लो या एक बार बुक से रीड कर लो तभी ये समझ में आ पाएगा नाउ द थ्रेड ऑफ ई कॉमर्स थ्रेड्स में मुझे एनिमेशन डालना पड़ेगा बिकॉज मैं समझा नहीं पाऊंगी उसके बिना दो मिनट तो बस हाँ देख लो देख लो जल्दी देख लो कौन सी अः हम उस पे है स्लाइड पे है और कितने रह गए बहुत जल्दी है तुम्हें ठीक है नाउ थ्रेड्स टू ई कॉमर्स हम करेंगे चार तरीके के हैं मैम हमने देख लिए सुन लो फिर भी क्लाइंट कम्युनिकेशन चैनल सर्वर थ्रेड एंड मिसलेनियस ठीक है so Client, channel, तो तुम कैसे याद रखोगे मिस सी सी टू ठीक है मिसेज सी टू करके आप थ्रेड याद रख सकते हैं तो कौन कौन से निमोनिक्स हो गए बिजनेस में डे पाया मिस्ड एनी बिजनेस किस तक का था मिस सी टू का ठीक है चीटू मत बोल देना सीटू है सी टू फाइन तो सबसे पहले आपका आता है क्लाइंट थ्रेट देखो क्लाइंट थ्रेट बहुत ही डायनामिक वेब पेजेस पे होते जो वेब पेजेस जो वेबसाइट्स बहुत ही अच्छे से बनी होती है या बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है उस पर ये थ्रेट्स नहीं होते जहां पे आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई डायनामिक नहीं बनी हुई देन आपकी वेबसाइट पे ये थ्रेट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हें कभी फ्लिपकार्ट या फर्स्ट क्राई डॉट कॉम या एमेजॉन पे कोई ऐसी लोकल लिंक मिलती है जो बोलती है तुम्हें कि डाउनलोड कर लो अफकोर्स नहीं मिलती और अगर तुम गलती से कोई भी लोकल वेबसाइट पे चले जाओ जो मतलब यू you नो know, अच्छी नहीं है तो वहां पे तुम्हें जरूर वो बटन मिलेगा डाउनलोड द फाइल्स डाउनलोड द फाइल डाउनलोड द फाइल्स ठीक है तो वही होता है सबसे पहले ट्रोजन हॉर्स इसमें जो मैं बार बार बोले जा रही हूँ you know, बटन सा होता है डाउनलोड ठीक है so, सो आपको ये फर्स्ट क्लास में लगेगा कर लेती हूँ यार मतलब यू you नो know, अगर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कुछ डाउनलोड करने गए हो लेट्स से किसी के नोट्स है ठीक है तो आपको लगेगा यार ये तो सिंपल है आई गेस इसी से डाउनलोड होंगे नोट्स और तुमने डाउनलोड कर लिए क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हें हार्मलेस फाइल लग रही थी तो तुमने डाउनलोड कर लिए अब जैसे ही तुमने ये डाउनलोड करे तुम्हारे सिस्टम में क्या आ गया थ्रेट ठीक है क्या आ गया वायरस वायरस क्या हो गया कि आपके अब आप सिस्टम में पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा बिकॉज आपके सिस्टम में अब अगर एंटी वायरस नहीं होगा तो ये वायरस आ चुका है और वायरस बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर आता है कुकीज कुकीज आर द बिगेस्ट थ्रेट लिटरली कुछ वेबसाइट्स तो कुकीज को एक्सेप्ट करे बिना चलती नहीं सबने देखा है Once you open that website, लिखा आता है है? ऐसे ठीक तो ये होते क्या है ये small programs होते हैं जो आपके browser पे डाउनलोड हो जाते हैं ठीक है तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेट से कोई भी शू सर्च कर रहे होंगे तो ये कुकीज के थ्रू कंपनी को पता चल जाएगा कि आप शूज देख रहे हो ठीक है सो तो आपकी वो हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है मतलब आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो क्या ईमेल आईडी डाल रहे हो तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है थ्रू दीस यू नो कुकीज फाइन देखो कुकीज का कांसेप्ट आया क्यों था सो so दैट आप अपने बिजनेस पे हेल्प कर पाए ई-कॉमर्स सो दैट मैं एक पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइजेशन दे पाऊं अपने एडवरटाइजिंग को एंड उसे अच्छे बेनिफिट के लिए यूज किया जाए बट आज के टाइम में ये कुकीज बहुत ही गलत तरीके से यूज हो रही है बिकॉज आप जो डेटा डालते हो लॉग इन आई डी पासवर्ड फॉर एनीथिंग योर कार्ड आधार एनी थिंग ये सब रिकॉर्ड करता है ये सब ट्रैक करता है ठीक है देन दायरस वायरस तो भाई रियल और बहुत ही ज्यादा गंदा एडवर्स इफेक्ट डालता है आपके सिस्टम पे वो हैंग कर देगा ठीक है एंड आपकी की बजा देगा लिटरली बैंड बजा देगा आपकी फाइल्स करप्ट हो जाएगी आपका एमएस वर्ड नहीं चलेगा आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलेगा सो आर द क्लाइंट थ्रेट्स ओके एवरीबडी द कम्युनिकेशनल चैनल कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कम्युनिकेशन चैनल आपको ई e कॉमर्स uh, so, आपको ई कॉमर्स पार्टनर से कनेक्ट करता है राइट right? यही होता है कम्युनिकेशन जब पे आपका कनेक्शन बन रहा है जहां पे आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है तो उसको लेके क्या थ्रेट है सबसे पहले इंटेग्रिटी थ्रेट ये बहुत ही ज्यादा एग्जिस्ट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री में ठीक है नाउ लेट से आपने पांच हजार का आपको एक ट्रांसफर करना है मिस्टर एक्स को ठीक है अब लेट्स से ये कम्युनिकेशन चैनल बिगड़ा हुआ है तो आपने क्या किया आपके बैंक ने क्या किया इंस्टेड ऑफ फाइव थाउजेंड इट वाज डन फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो ऑनलाइन पेमेंट हो रही थी फाइव थाउजेंड की जगह आप कितनी हो गई फिफ्टी थाउजेंड सो ये हो गया आपका इंटेग्रिटी थ्रेड नाउ स्पूलिंग स्पूलिंग क्या होता है आप वेबसाइट्स बनाते हो एक ऐसे डोमेन के साथ जो बहुत ही सिंपल होती है ठीक है लेट्स से रिलेटेड टू योर ई कॉमर्स लेट से क्या बोलू फ्लिपकार्ट की जगह कार्ड बना दिया उसने ठीक है ये बहुत ही अनएथिकल आर्ट है लेट्स से बिकॉज देखो आपको कभी ऐसे आया अपनी ईमेल चेक करना ठीक है और उसमें ना कभी कभी ऐसे लिखा होगा डब्ल्यू 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 डॉट LinkedIn, तो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर मतलब एट दी फर्स्ट क्लास अगर आप बिजी और आपने मेल नहीं देखी अच्छे से मेल आईडी तो आपको लगेगा ओह ये तो मुझे लिंकडिन की तरफ से ही मेल आया बट वो एक्चुअल में लिंकडिन नहीं होता ठीक है फॉर एग्जांपल किसी सिक्योरिटी थ्रेड वाले को किसी यू you नो know, आपके हैकर को पता चल गया कि आपकी फ्रेंड का नाम गुरबानी है ठीक है लेट से गुरबानी ने आपको मेल भेजी डब्ल्यू 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 ठीक है तो आपको लगेगा अगर आपको उसका ईमेल आईडी नहीं पता और आपको पता है कि वो ईमेल कभी कभी भेज देती है तो आपको ईमेल आती है रुचि कुड यू यू प्लीज सेंड मी नो ऑन दिस अकाउंट सो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है और आजकल हम थोड़ा अवेयर भी रहते हैं बट पहले के टाइम में लोग भेज देते थे ठीक है आजकल आई हैव माई सेल्फ इनकाउंटर व्हाट्सएप तो लिटरली मेरे रिलेटिव में एक बंदे का व्हाट्सएप हैक किया ठीक है एंड ही वाज लिटरली सेंडिंग टेक्स्ट टू एवरी फैमिली मेंबर कि आई हेलो आई एम स्टॉक प्लीज आप मुझे पांच हजार रुपये भेज देंगे तो दो हमें पता चल गया और हमने यू नो नंबर ब्लॉक कर दिया बट दैट वाज नथिंग बट स्पूलिंग स्पूफिंग नॉट स्पूलिंग बट स्पूफिंग सॉरी गर्ज इज स्पेलिंग मिस्टेक दिस इज स्पूफिंग ओके देन द नेसेसिटी थ्रेड देखो क्या होता है इसमें क्या होता है आपका सिस्टम स्लो कर दिया जाता है जिससे आपका सिस्टम अच्छे से ऑपरेट नहीं करता कैसे किया जाएगा मैम लेट से आपका पूरा का प्रो पूरा प्रोसेस जो कस्टमर को भगा ठीक है लिटरली लेट से अगर आपका वेबसाइट है ठीक है स्किपी डॉट कॉम अब मैंने क्या किया मैंने आपके ये पूरे प्रोसेस को धीरे कर दिया सो so, एक कस्टमर आएगा अपनी कार्ड डिटेल्स डालेगा तो विद इन ही इज एक्सपेक्टिंग कि हाँ वो पूरा आपका ऑर्डर पेमेंट डिटेल्स ऑथोराइज हो जाएगी और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी बट ऐसा नहीं हुआ इट टुक मोर देन फिफ्टीन मिनट्स तो एज अ कस्टमर क्या मैं वहां पे रुकूंगी भाई पंद्रह मिनट एक यू you नो know, एक ट्रांजेक्शन के लिए रुकना पड़ेगा नहीं वी वोट राइट थर्ड्स फ्रॉम स्निफर प्रोग्राम स्निफर प्रोग्राम क्या होते हैं जो आपकी डेटा फ्लो को मॉनिटर करते रहते हैं ऑन द इंटरनेट ठीक है कुछ लीगल होते हैं कुछ इन होते हैं एंड दे कैन एक्चुअली रीड योर ई मेल मैसेजेस ऑल्सो सो इनलीगल कब होता है जब आपका ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है बट लीगल कब होता है लेट्स से आजकल के टाइम में डेटा यूज होता है फॉर द एडवर्टाइजिंग फॉर पर्सनलाइजेशन ऑफ एडिटे एडवरटाइजिंग तो वहां पे क्या होता है वहां पे वो लीगल होता है अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन है चीजें करने की देन यू कैन यू नो डू इट बट विदाउट परमिशन और आपका अगर ऑब्जेक्टिव ही चोरी करना है और लॉस पहुंचाना है देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सर्वर क्या होता है सर्वर एक कनेक्शन होता है बिटवीन द इंटरनेट एंड द यूजर इसे कहते हैं सर्वर ठीक है ये सर्वर भी बहुत से वेमोरेबल होता है ठीक है अगर ये सर्वर मिस हुआ देन गैर आपके डेटा को बहुत ज्यादा थ्रेट के चांसेस है द फर्स्ट इज द वेब सर्वर थ्रेट देन द डेटा बेस्ड थ्रेड देन सी जी आई थ्रेट दैट इज कॉमन गेट वे इंटरफेस फाइन एंड वेबसाइट मास्क बी गैर मास्क रेडिंग ठीक है सो दीज आर योर सर्वर थ्रेड सबसे पहले वेब सर्वर थ्रेड का आता है सो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहा होती है ई कॉमर्स और ई पेमेंट्स पे ठीक है सो आप क्या करते हो आप यूजर नेम डालते हो आप पासवर्ड डालते हो अपनी एप्पल आईडी भी डालते हो आप अपनी जीमेल भी डालते हो सो अगर आपका डेटा ब्रीच हुआ तो ये सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं यू नो नॉट द एट द एंड ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट बट एट दर सर्वर अगर वहां पर इंफॉर्मेशन लीक हो गई देन अगे फिर से आपके यू नो डेटा को खतरा है एंड वेब सर्वर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ठीक है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रिप्टेड होते हैं एंड उन्हें डी करना इतना आसान नहीं होता डेटा थ्रेड लेट्स जैसे बी टू सी इंफॉर्मेशन है ई टू ई आपका कॉमर्स है तो सेल्स रिटर्न कैसे होगा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है पेमेंट इंफॉर्मेशन क्या है सेल्स रिटर्न इंफॉर्मेशन क्या है आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो अमंग्स द इम्प्लॉय सो ये सारा डेटा अगर आपका लीक हो गया देन अगेन इट वुड टू इट वुड लीड टू लॉसेस टू द कंपनी बिकॉज आपका ये क्या था प्रिवेंट प्राइवेट डेटा था ठीक है सो दैट नीड्स टू बी प्रिवेंटेड सी जी आई थ्रेड दैट इज द इंटरफेस बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर वेबसाइट मैस्क्रेटिंग इज योर मैस्क्रेट मैस्क्रेट ठीक है आप लोग कमेंट में लिखेंगे मैम आपको बोलना भी नहीं आ रहा नहीं यार <laughs> यार मैं सुबह सुबह छह बजे तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करी चुप कर फाइन देन मिसलेनियस थ्रेड फिशिंग तुम्हें फिशिंग uh, पता क्या होता है फिशिंग मतलब इज जस्ट लाइक बेसिक फिशिंग पता है तुम्हारे ईमेल पे ऐसे आता है क्लिक दिस लिंक टू पे यू हैव वन अ लॉटरी आप पीसी में आ चुके हैकिंग ये तो सबको पता है पूरा अनऑथोराइज एक्सेस ले लिया आपके नेट से आपकी वेबसाइट से ठीक है आपके नाम पे रजिस्टर किया सेम डिप्यूटेड फॉर्म से एक डोमेन नेम बनाया सो दट लेट से आपने वो देखा है वाव सो ब्यूटिफुल उसकी कभी ना इंस्टा प्रोफाइल खोल के देखना वो बंदी बोलती रहती है ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये मेरा नहीं है ये व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा नहीं है प्लीज गाइज इस पे ऑर्डर मत करना ये फ्रॉड है ये फ्रॉड है तो वो क्या है ठीक है सो so उस बंदे ने, ने क्या किया आपके नाम का सेम व्हाट्सएप ग्रुप सेम एवरीथिंग सेम उसने अपने नाम पे वो बेचे जा रहा है सिर्फ प्राइस आपसे छीने जा रहा है ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेड इज द आई पी थ्रेड मतलब प्रॉपर्टी इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओनर जैसे लेट से डिजिटल फाइल्स डिजिटल कॉपी हो गए एक बार शार्प टाइम पे वो डिजाइन वाले भी आए थे सीजन थ्री में दे आर द डिजाइन ऐसे वो डिजाइन बनाते थे ठीक है मैनिक बनाते थे तो उसमें अनुपम ने यही बोला वॉट इफ योर डिजाइन गेट्स कॉपी आपके पास क्या इसका कोई पेटेंट है सो so, वही होता है अगर आपके डिजाइन कॉपी हो गए आपका जो डिजिटल है, वो कॉपी हो गए, नीड सिक्योरिटी दिस बिकम्स वेरी वेरी बेसिक दिस बिकम्स वेरी कॉमन सेंस मैम कॉन्फिडेंशालिटी के लिए ठीक है देन वायरस प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को बचाने के लिए इंटेग्रिटी वेबसाइट एक कंपनी का फेस होता है अगर उसमें ही गलती है और उसमें ही अटैकर अटैक कर रहा है तो देन आपके ई कॉमर्स बिजनेस को कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आपकी वेबसाइट को कोई ट्रस्ट नहीं करेगा फाइन अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी कहते हैं कि यार आपकी वेबसाइट ऑल द टाइम अवेलेबल रहनी चाहिए प्लीज अगर लेट से कोई भी इश्यू आ रहा है जहां पे मैंने बोला था कि स्लो बन जाती है आपकी वेबसाइट ड्यू टू सर्टेन सिक्योरिटी ब्रीच प्लीज उसे जल्दी से रिपेयर करो एंड मेक श्योर कि वो ठीक हो जल्दी से जल्दी डिजिटल इंडिया 2014 में डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव आया था गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है तो डिजी लॉकर सब यूज करते हैं ये डिजी लॉकर ठीक है तो डिजी लॉकर प्लीज अपने फोन में इंस्टॉल रखो एंड उसमें ही सारा स्टोर रखा करो सो so, वो सिक्योर्ड है सो सेम योर अदर वेबसाइट ऑल्सो प्लीज अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा कहीं भी मन टाला करो एक्सेप्ट द डिजी लॉकर टू बिग टू सून जो वेब स्पेस बहुत ही ज्यादा जल्दी एक्सपैंड हो जाता है उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो टाइम दे अपने आप को सो दैट वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी लेट से शार्क टाइम पे तुम आ गए तुम्हारे पास इतना ट्रैफिक आ गया देन तुमने उसे अपग्रेड नहीं किया था तुमने उसे उस लायक नहीं बनाया था सो तो तुम्हारा डेटा दो मिनट में उड़ सकता है और तुम्हारा वो वेबसाइट स्लो हो सकता है हैक हो सकता है सो मेक श्योर इतना ट्रैफिक लेने लायक है वो वेबसाइट आपकी सही टेक्नोलॉजी यूज करिए ओके नाउ व्हाट आर द सिक्योरिटी कंट्रोल्स व्हाट आर फ्यू थिंग्स जो आप अपने एंड पे कर सकते हो एज कंपनी एज अ यूजर इन ऑर्डर टू अवॉइड तो पासवर्ड आपका पासवर्ड हमेशा स्ट्रोंग होना चाहिए उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर उसमें कुछ ऐसे लेटर्स या ऐसे सिंबल्स होने चाहिए जो इजी ना हो प्रिडिक्ट करने में ठीक है हैकर यूज योर लाइक डाटा आपकी बर्थ डेट ऐसे सिंपल पासवर्ड्स मत रखा करो वायरस कंट्रोल अपने सिस्टम में एंटीवायरस अपलोडेड रखो ठीक है एंटीवायरस अपडेट करते रहो एंड मेक श्योर की आपका एंटी सिस्टम अगर यू नो ड्यू हो गया एक्सपायर हो गया तो आप उसे रिन्यू re कर पा रहे हो देन बायोमेट्रिक एप्पल में जो हम ऐसे अपनी आंखें खोल के यू you नो know, देखते हैं या फिंगर प्रिंट लगाते हैं या थम प्रिंट लगाते हैं सो आर ऑल योर बायोमेट्रिक आपके हैकर के पास आपकी आंखें तो नहीं होंगी ना सो मेक श्योर बायोमेट्रिक सिस्टम आप यूज कर रहे हो देन द फायर फायरवॉल फायर वॉल कहा होता है जहां पे आपका एक्सेस कंट्रोल होता है बिटवीन द टू नेटवर्क ठीक है तो इसे हम कहते हैं फायर वॉल तो अगर कोई भी हैकर इसे यू you नो know, करना चाहेगा बॉल को क्रॉस तो वो नहीं कर पाएगा सो so, वो आपके सिस्टम को चेक में रखता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना आपकी इंफॉर्मेशन का देन इंक्रिप्शन एज आई सेड इंक्रिप्शन क्या होता है आप सारा डेटा अपना हार्ड कॉपी में नहीं रख सकते ठीक है हाँ ज्यादा सॉरी 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 सॉफ्ट कॉपी में नहीं रख सकते सो so, आपका डेटा बहुत ज्यादा हार्ड कॉपी में सेव्ड होता है ठीक है so, सो इसमें क्या coded, होता है इंक्रिप्शन में दैट योर डेटा इज कोडेड ठीक है एंड ये डी कोड किससे होता है इक्कीस से फाइन ये डी कोड इस तरीके से होता है कि कोई इसका यू नो एक्सेस इतने अच्छे से नहीं ले सकता अनलेस यू की डिजिटल सिग्नेचर ये दो आई नो अभी समझ में नहीं आए होंगे अभी हम डिटेल में करते हैं बट प्लीज ये चार याद रखना एंड ये चार भी इम्पोर्टेंट है देन द इंक्रिप्शन गाइज मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा इसमें एनिमेशन डालती हूँ ठीक है सॉरी 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 गाइज आई नीट हू जस्ट पॉज द वीडियो फॉल adding the animations now let me tell you encryption or digital signature jo maine last slide pe samjhaya tha use thodi time ke liye ignore karo because abhi tumhe pura encryption ka process sikhna padega because isme aapka note aayega तो एक 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 line लाइन लिख के तुम नोट में मार्क्स नहीं पा सकते यू नीड टू राइट सर्टेन पॉइंट्स एंड हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप उसे समझो ठीक है इंक्रिप्शन क्या होता है इंक्रिप्शन जो मैं बार 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 बोल रही हूँ लेट्स से मिस्टर मिस्टर ए को को बी मैसेज देना है कि हमारी दो मिलियन की डील फाइनल है ठीक है तो जो डील है वो टू मिलियन की है बट मिस्टर ए चाहता है कि ये डील कोई और ना पड़े तो ये क्या करते हैं ये इसे कोड करते हैं एक की e को यूज करके की वन को ठीक है अब ये मैसेज पता कैसे कोट होता है ठीक है 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 अब क्या क्या हो गया? हो गया गया एक ऐसे में में कि 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 वो decode. क्या मुझे ये में ये नहीं, नहीं समझ ये समझ समझ आ रहा रहा लिखा हुआ नहीं नहीं तो डिजिट्स लिखे हुए ठीक है अब इसे आप डी कर सकते हो यूजिंग की टू ठीक है आई एम से वन की की टू ठीक है आपने यूज किया मिस्टर बी ने की की टू को यूज करके इस मैसेज को डिकोड किया और पढ़ लिया कि ये टू मिलियन की डील फाइनल है फ्रॉम ए तो ये प्रोसेस जहां पे आपने मैसेज को कोड किया फिर डिकोड किया यूजिंग अ की इज नोन एज द इंक्रिप्शन मैम ये आखिर आया क्यों देखो पहले के टाइम में हार्ड कॉपी होती थी तो हम पोस्ट के थ्रू या यू नो मतलब पोस्ट के थ्रू या डिलीवरी के थ्रू इसे पहुंचा देते थे सो मिस्टर ए लेट से एक लेटर भेजते थे जो मिस्टर बी को मिलता था राइट बट आज के टाइम में जब ई e कॉमर्स आ गया है एंड इतनी सारी डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है तो देन इट डज नॉट मेक सेंस कि सबके लिए मैं चिट्ठियां चिट्ठियाँ भेजूँ ठीक है तो मेजर रीजन जो लोग हेजिटेट कर रहे थे कि भाई हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए और इतनी इंफॉर्मेशन क्या हम शेयर करें वो लोगों को अभी भी एक डर है और डर सच में है बिकॉज इतने ज्यादा थ्रेट्स है तो इसलिए इंक्रिप्शन का आया तो इंक्रिप्शन का कहता क्या है इंक्रिप्शन का मेनली डील्स विद दे इनकोडेड डेटा डीकोडेड डेटा एंड की ये तीन टर्म अगर, अगर अपने आंसर में तुम नहीं लिखोगे देन यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स तो इंक्रिप्शन क्या है इंक्रिप्शन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस ठीक है जो एक यूजर के लिए बहुत डिफिकल्ट बना देती है उस डेटा को समझने में अगर आपने वो ऑथराइज या आप रेसिपियंट नहीं हो ठीक है लेट से मिस्टर ए और बी को वो इंफॉर्मेशन समझ में आ गई थी हमारे एग्जांपल में अगर कोई डेटा लेट से मिस्टर सी ये इंफॉर्मेशन समझना चाहेगा तो वो नहीं समझ पाएगा ठीक है बिकॉज उसे वो ऑथराइजेशन नहीं है ठीक है सो so यही एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका दिख रहा था जहां से हमारी डेटा को यू you नो know, एक टेक्स्ट के थ्रू कन्वर्ट करके थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता है टू गेट द एक्सेस टू इट ठीक है सो दो ही पार्टीज़ यहाँ पे ऑथराइज होती है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मतलब जिसने डेटा भेजा है और जिसे डेटा मिला है ठीक है So, पहले इश्यूज थे ट्रस्ट था कि भाई सारी हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर करते तो क्या ये सॉल्यूशन यू नो क्या ये सेव रहेगी नहीं रहेगी तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया दैट वाज इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन क्या होता है डेटा को इंपोर्ट किया जाता है की देन

ठीक है सो इज डिस्कलोजर को बचाने के लिए हमें प्राइवि चाहिए थी और इंक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखता है हमारे मैसेज को थ्रू द डिकोडिंग डिकोडिंग एंड एनकोडिंग ठीक है नाउ ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आप मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ऑथराइज कर रहे हैं ठीक है तो आपने क्या किया आपने वैलिडेट किया आपने वेरीफाई किया Fine, offline store में क्या होता है लेट से आप कस्टमर के पास आप यू नो बायर के पास जाते हो उस पर्टिकुलर स्टोर पे जाते हो एंड फाइनली आप लेट से बोलते हो कि हाँ पैसे दिए एड वी ऑथराइज ट्रांजेक्शन क्या हम बाद में बोल सकते हैं नहीं 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 ये मैंने नहीं खरीदा ये मैंने नहीं बोला था नहीं आपने फेस टू फेस किया था वो फेस टू फेस को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वर्ड यूज किया ठीक है कि भाई तुम एक बार अपने अगर ट्रांजैक्शन में आते हो लेट से मिस्टर ए ने मैसेज भेजा तो मिस्टर बी ये नहीं बोल सकता कि भाई मिस्टर ए ने तो भेजा ही नहीं या मिस्टर ए बोलेगा नहीं मैंने तो सोते-सोते भेज दिया देखो तुमने कैसे भी भेजा बट तुमने भेजा ठीक है यू आर द वन हु हैज इनकोडेड दैट मैसेज सो दैट इज अ साइन कि भाई तूने ऑथेंटिकेट किया तूने भेजा देन द इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी क्या होती है कि हां आपने वो मैसेज ऑल्टर नहीं किया जैसे लेट से ए ने बी को मैसेज भेजा था कि दो मिलियन में डील हुई है अगर ये इनकोड नहीं होता और यहाँ पे कोई हैकर आ जाता तो ए का मैसेज क्या हो जाता कि ये डील पांच मिलियन में हुई है और बी को ये इंफॉर्मेशन मिलती तो आप बी को इंक्रिप्शन यूज करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हाँ भाई ये दो मिलियन का अमाउंट सच्चा है बिकॉज ये डेटा इंक्रिप्टेड था एंड इसे कोई हैक नहीं कर सकता एंड ये डेटा सच्चा है नॉन रिप्यूटेशन क्या होता मतलब है नॉन रिप्यूटेशन मतलब ए ने बी को गुड भेजा ठीक है बी को वो गुड रिसीव हुआ ठीक है एंड उसने डिलीवरी पेमेंट कर दी फिर ए ने ऑर्डर किया था ठीक है एंड ए कहते हैं कि यार मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया तो भी कहेगा भाई तूने ऑर्डर किया था तू डिनाई नहीं कर सकता ठीक है इंक्रिप्शन यही होता है कि भाई तुमने इंक्रिप्ट किया था मैसेज यू वर द वन हु एक्चुअली सेंटेड तुम यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते कि तुमने वो पर्टिकुलर मैसेज नहीं भेजा ठीक है सो इट इज मोर सिमिलर टू द ऑथेंटिकेशन ओनली देन व्हाट आर द एडवांटेजेस Of this particular encryption. क्या लगता है, है? थे the तो पहले बिजनेस बिजनेस अपने आईपी इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारे यू नो सॉफ्ट एसेट्स थे ले हमारे एसेट्स थे लाइक डिजिटल प्रोडक्ट आईपी ये सब अब हम सेव करके रखेंगे Then, banks. Banks, सबसे ज्यादा खतरा है वो पाँच हज़ार से पचास हजार वाली ट्रांजेक्शन सो कॉन्फिडेंशी डे हमारा बैंक के पास बहुत सारा डेटा होता है लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजों में ये सब चीजें बहुत यूज होती है इंडिविजुअल कॉन्फिडेंशियल डेटा हम एज असर बहुत ही ज्यादा कंफर्ट में हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमारा डेटा इंक्रिप्टेड है और वो किसी के थ्रू यू नो हैक नहीं हो सकता देन डेटा इंक्रिप्ट कैसे होता है क्रिप्टोग्राफी करके सीक्रेट की एसिमेट्रिक एंड सीक्रेट की सो जैसे मैंने बताया था वो पूरा एग्जांपल अगर तुम यू you नो know, अपने एग्जाम में लिखोगे देन यू आर गुड टू गो फाइन देखो दो तरीके का एक होता है एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक की सबसे पहले सिमेट्रिक की बताती हूँ। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है ये आपकी इंक्रिप्शन की है एंड ये आपकी डिस्क्रिप्शन की है तो जो इसमें वो मैंने की यूज की है वो सेम होती है ठीक है मतलब लेट से दो मिलियन वाला मैसेज आपने इनकोड करा यूजिंग की एवन एंड ये आपका टू थ्री मैसेज डिकोड हुआ एंड सेम की यूज करके आप इसे डिकोड करेंगे ठीक है तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने सेम की यूज करी ठीक है इट इज नोन एज सिमेट्रिक बट ए सिमेट्रिक में क्या होता है मिस्टर ए मैसेज को इनकोड करेंगे यूजिंग की के वन ठीक है तो इन्होंने ऐसे इनकोड किया टू तो, थ्री फाइव फिर मिस्टर बी यूज करेगा डिफरेंट की फॉर डी कोडिंग दैट मैसेज तो यहाँ पे दो अलग अलग कीज यूज हो रही है फॉर द इंक्रिप्शन एंड यू नो डी कोडिंग बट सिमेट्रिक में सिर्फ एक ही की यूज हो रही है सो वॉट यू थिंक कौन सा ज्यादा सिक्योर है ए सिमेट्रिक या सिमेट्रिक अफकोर्स मैम ए सीमेट्रिक क्यू क्योंकि वहां पे ज्यादा कीज यूज हो रही है एंड वहा बी को बी वाली की पता है और ए को ए वाली की पता है दोनों अपना अपना देखे और ये सपोर्ट होता है डिजिटल सिग्नेचर तो दिस इज सपोर्टेड बाई डिजिटल सिग्नेचर अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है अब हम वो पढ़ेंगे सो गाइज आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सेंस वो आपका नहीं छोड़ना चाहिए देन इंक्रिप्शन आप ये कह लो नीड मीनिंग टाइप्स एंड एडवांटेजेस अगर आपको ये चार चीजें आती है ट्रस्ट में आप पूरा का पूरा नोट लिख सकते हो और इंक्रिप्शन नाउ वी विल बी डूइंग डिजिटल सिग्नेचर गैस डिजिटल सिग्नेचर इज लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम एंड डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर जैसे आप एक you know, uh, पे देते हैं कि आप ऑथेंटिकेट करते हैं यू आर ओके विदील यू आर ओके विद अग्रीमेंट वैसे ही आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है वैसे ही आप इंस्टेड ऑफ गोइंग पेपर पेन आप उसे डिजिटली कर रहे हैं आप उसे यू नो एज अब यूज यूज कर रहे हैं फॉर अ फिजिकल सिग्नेचर तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वीनियंट है say, अगर आपको प्रॉपर्टी की डील करने यूएस नहीं जाना पड़ेगा फॉर जस्ट वन सिग्नेचर तो आप इंडिया में बैठे बैठे सिग्नेचर कर पाएंगे ठीक है नाउ ऑब्वियसली जस्ट लाइक असग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है नॉन फॉर फॉरगेबल कॉन्स्टेंट वेरी फेबिल नॉन रिप्यूटेशन रिक्वायर्स अ डिजिटल आई डी एंड इट शुड आफ्टर एवरी मैसेज ये कॉन्स्टेंट नहीं रहना चाहिए एंड यहाँ पे पब्लिक की चाहिए होती है हमें ठीक है बिकॉज पब्लिक की का जो कंसेप्ट है जो हमने यूज किया था वो यहाँ पे आता है बट हम जब रिटर्न सिग्नेचर करते हैं तो ऑब्वियसली मैम ये पब्लिक की की वाला कंसेप्ट रिटर्न सिग्नेचर्स में नहीं आता सो येस डिजिटल सिग्नेचर में सारी की सारी वही क्वालिटीज होती है जो आपके एक रिटर्न सिग्नेचर में होती है एक्सेप्ट टू फर्स्ट कि भाई वो आपका हर मैसेज के बाद चेंज होना चाहिए एंड सेकेंडली पब्लिक की का कंसेप्ट एक पिक्चर में आता है फॉर द डिजिटल सिग्नेचर एंड नॉट फॉर द रिटर्न सिग्नेचर तो मैम ये ऑपरेट कैसे करता है ये ऑपरेट करता है क्रिप्टोग्राफी से ठीक है क्रिप्टोग्राफी से ये ऑपरेट करता है क्रिप्टोग्राफी होती क्या है ये एक ब्रांच है फॉर द अप्लाइड मैथमेटिक्स जो इंश्योर करती है कि आपके मैसेजेस अच्छे से इनकोड हो रहे हैं एंड डी डिकोड हो रहे हैं बैक अगेन फाइन दो तरीके की कीज इसमें इन्वॉल्व होती है एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की प्राइवेट की होता है जो आपका डिजिटल सिग्नेचर बनाएगा दैट इज क्रिएशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर और एक होता है पब्लिक की जो आपके उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा ठीक है सो देर आर टू काइंड ऑफ की दैट आर इन्वॉल्व इन योर डिजिटल सिग्नेचर Now what is the significance of this particular digital signature? So as I said, digital signature आपका just एक ऐसा substitute है जो आप you know paper pen पे करते हैं। So first of all authenticate the identity of the sender कि ये message किसने भेजा है, ये क्या उसी बंदे ने sign किया जो इसके लिए authenticated है and ensures original content of the message is unchanged ठीक है let's say Uh, आपका सेफ सिक्योर ट्रांजैक्शन ये सब चीज़ें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है फॉर अ डिजिटल सिग्नेचर कभी भी तुमने अगर यू नो कहीं साइन किया हो डिजिटली तो तुमने वो देखा है लिखा होता है इट इज़ अ सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन राइट सो वो क्यों लिखा होता है बिकॉज अगर आप डिजिटली साइन कर रहे हो सो यू आर इंश्योरिंग कि जो आपका मैसेज है दैट इज सिक्योर एंड दैट इज सेफ सेकेंड क्या सिग्निफिकेंस है कि आपको वहां जाके साइन नहीं करना लेट्स से यूएस में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप इंडिया में बैठे बैठे उसे डिजिटली साइन कर सकते हैं जब तक दोनों पार्टीज को ओके okay है फाइन आपको वहां पे फेस टू फेस इतना पैसा लगा के वहां पे नहीं जाना फाइन इजी ट्रांसपोर्टेबल इजी ट्रांसपोर्टेबल का क्या मतलब है कि आप ऑब्वियसली एक मेल के थ्रू या एक सेफ नेटवर्क के थ्रू अपना वो डॉक्यूमेंट उस पार्टी को भेज सकते हैं अब आपको ये नहीं कि डिजिटली हमने इंडिया में साइन कर दिया बट भेजने के लिए हमें यूएस जाना पड़ेगा फिर तो आप रिटर्न ही कर लेते राइट सो so, आपका एक बार वो डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन हो जाता है देन इट बिकम्स इजी कि आप उसे मेल कर दो या ट्रांसपोर्ट करवा दो थ्रू अ सेफ चैनल फाइन डिजिटल सिग्नेचर बहुत इजी है आपको ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं मतलब ऐसे ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं बट जो uh, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है फॉर द रीडिंग पर्पज मेक श्योर यू गो एंड रीड इट सो नाउ चैप्टर थ्री मेनली कवर्स सबसे पहले सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या थ्रेट्स होते हैं कैसे आप उन्हें कंट्रोल करेंगे ठीक है ये दो सिग्नि कैसे हैिग्नेचर इज अ थर्ड टॉपिक जहाँ पे आपने उसे रिटर्न सिग्नेचर से कंपेयर किया उसका मीनिंग समझाया उसकी सिग्निफिकेंस समझाई एंड देन टू टाइप्स ऑफ कीज दैट यू आर यूज इन द डिजिटल सिग्नेचर